जिन पैसेंजर से आपकी शायद बात हुई होगी, ये वो पैसेंजर हैं जो आज लेक इस तरफ से यहाँ हमारे इस तरफ आए हैं, और उनको शायद हमारे अरेंजमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा। जो पैसेंजर यहाँ 2-3 दिन से स्टैंडर्ड है, उनके लिए हमने ऑलरेडी मोबाइल जो टीम्स हैं मेडिकल की वो भी घूम रही है हमारी, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको राशन भी दिया जा रहा है, साथ में कुछ हमारे जो दोनों स्कूल्स हैं इसके IMKMT उनकी तरफ से भी इनको खाना दिया जा रहा है। जैसे आप खुद भी अभी देख के आए हैं, बेमथांग में हमने सारी गाड़ियाँ इकट्ठी करी हैं, उनको जॉइंटली हमने अभी खुद ही मैंने 1-2 को टोकन के लिए खुद को खाना भी सर्व किया है, और वो जो गाड़ियाँ जो आज ले से आई हैं अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ नहीं यहाँ नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि कारगिल एक छोटा टाउन है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, फिर भी हमने उनको एकोमोडेट किया है। उनके लिए हमने 3 लॉजमेंट सेंटर्स खोले, एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बरू में, दूसरा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बरू में, तीसरा TFC का जो हमारा है, और चौथा बेमथांग में भी। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो इन सेंटर्स में आएँ और उनकी फैसिलिटीज़ को अवेल करें, बट कुछ लोगों की अप्रिहेंशन है कि वो अपनी गाड़ी को अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम उनको वहीं खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली सिचुएशन द्रास में भी है, कुछ पैसेंजर अपने द्रास में हैं और कुछ हमारे द्रास टाउन में है। उनके लिए अभी हमने जो 2 सेंटर्स खोले हैं, एक है पंचायत घर द्रास और दूसरा हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, उसमें हमारे SDM साहब, BMO साहब और नायब तहसीलदार साहिबान तीनों जगह जगह पर राउंड लगा रहे हैं, और किसी भी पैसेंजर को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उनको वो हमारे SDM साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ बच्चियों का, छोटे बच्चों का और लेडीज़ का सवाल है, हमने उनको सेग्रीगेट करके एक रूम में रख दिया है, उनको कोई सारी कोई किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पैसेंजर ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट रोड कब खुल रहे, कोई बोल रहे 2 किलोमीटर बचे, कोई बोल रहे परसों खोले, कोई बोल रहे कल 12 बजे खोलेंगे, तो ये जानना चाहते हैं सर कि एग्जैक्ट मेरी BRO से बात हुई है, एग्जैक्टली इस चीज़ का आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रोड की 3 तरह की कंडीशन होती है, एक तो कनेक्ट करना, दूसरा आपको उसको 4x4 व्हीकल के लिए थ्रू करना, और तीसरा उसको किसी भी तरह गाड़ी के लिए, किसी भी तरह की गाड़ी के लिए थ्रू करना। जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमें ये आया है कि वो 4x4 गाड़ी के लिए थ्रू किया गया है, वो भी प्रिकॉशन के साथ कि उसको चेन लगाया जाएगा, तो वैसी ही गाड़ी थ्रू हो सकती है, तो वैसी गाड़ियां तो इन पैसेंजर गाड़ियों के पास वैसी फैसिलिटी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कल दोपहर के बाद ही लेटेस्ट हमें पता चल पाएगा कि कब ये दोनों रोड पूरा थ्रू हो पाएगा। सर काफ़ी पेशेंट बीमार है, तो मेडिकल की क्या फैसिलिटीज़ रखी है सर? हमने मेडिकल के लिए जो है एक तो कैंप वहीं खोल दिया है, हमारे CMO साहिबान ने और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कैंप वहीं खोला है, दूसरा हम कारगिल टाउन के अंदर एक हॉस्पिटल है, दूसरा जो हॉस्पिटल है आपको पता है द्रास टाउन के बिल्कुल बीच में है, तो हमारी जो सारी फैसिलिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट के लिए अवेलेबल हैं, हमारी मोबाइल वैन्स भी घूम रही हैं, जिसको कोई भी इशू हो हमारे नंबर्स भी फ्लोट कर दिए गए हैं, उन पर पेशेंट्स कॉन्टेक्ट कर सकते। सर अभी सबकी नज़र ज़ोजिला इस पे है सर, तो आपकी क्या मैसेज होगी हमारे चैनल के थ्रू कारगिल के आवाम को? सर मेरी सबको यही मैसेज है कि वेदर एडवाइजरी जो ऊपर नेचर है वो मालिक है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता है, अगर आप यहाँ से गाड़ी छोड़ के आप ज़ोजिला में फंसेंगे तो वहाँ आपको हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो ज़ोजिला है उसको एक रॉ एरिया है, अनटेम्ड है, वहाँ फैसिलिटीज़ कम है, वैक्यूएशन करना मुश्किल होता है, यहाँ रुके हमारी बात माने, हम आपको यहाँ सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं पैसेंजर्स के लिए, मैं कह रहा हूँ आम लोग तो एक्सपीरियंस है मेरे से ज़्यादा है, उनको पता है रास्ता कब खुला है कब बंद है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इंपेशेंट ना हो, नेचर के आगे हम किसी का जोर नहीं चलता है, हम यहाँ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़ोजिला में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा टफ है। थैंक यू सर।